हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में किया था। उससे पहले वी हैव अंडरस्टूड द मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, द डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा था बाइनरी फिशन, बडिंग, मल्टीपल फिशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अदर ऑल्सो इन दीज टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं जो बेसिकली लोअर ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, नॉट ओनली द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। नाउ आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जब हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यू नो दैट हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। हायर प्लांट्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअल। प्लांट्स के सेक्सुअल पार्ट्स भी होते हैं बट वेजिटेटिव पार्ट्स भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स। देखो, जनरली इन प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस बाय एपोमिक्सिस। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स होती है, ये आपको याद रखना होगा। जैसे कि फ्लावर है, फ्लावर कैन बी अ मेल फ्लावर, अ फीमेल फ्लावर और बायसेक्सुअल फ्लावर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट कैन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लावर बाय क्रॉस पॉलिनेशन, बाय सेल्फ पॉलिनेशन और बाय ज़ीनोगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम टू टर्म्स यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज द एपोमिक्सिस एंड द नेक्स्ट टर्म इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव का ऑपोजिट क्या होता है? दैट इज सेक्सुअल। वेजिटेटिव पार्ट्स आर दोस पार्ट्स विच आर नॉट सेक्सुअल, ओके, जो सेक्सुअल नहीं होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, दे कैन बी स्टेम, रूट एंड लीफ। ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल पार्ट्स जो होते हैं दैट इज द फ्लावर जिसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है एंड द फ्रूट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। अब इनके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय ए गैमोस्पर्मी। गैमो का मतलब होता है फ्यूजन, स्पर्मी का मतलब होता है गैमीट्स बेसिकली, ठीक है। ए गैमोस्पर्मी, इन दिस नो फर्टिलाइजेशन, नो फ्यूजन, नो गैमीट्स टेक प्लेस। असेक्सुअल है तो ऑब्वियसली एम्ब्रियो बन जाता है। वो कैसे बन जाता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं, बट पहले आप समझ लो प्लांट की फॉर्मेशन अगर हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, अनफर्टिलाइज्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट की से पूरा एम्ब्रियो बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वेजिटेटिव पार्ट्स मैंने आपको बता दिए कौन से होते हैं और सेक्सुअल पार्ट्स भी मैंने बता दिए कौन से होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वी टेक द वेजिटेटिव पार्ट्स एंड वेजिटेटिव पार्ट्स से हमें पूरा प्लांट मिल जाएगा। वी कैन हैव द एंटायर प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशियली, ठीक है। ये नेचुरली भी होती है और ये आर्टिफिशियली भी हो सकती है। आर्टिफिशियली भी हम कर सकते हैं अपने भले के लिए, ओके। देखो, फर्स्ट हम एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। एपोमिक्सिस इज ऑफ थ्री टाइप्स। एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, रिकरेंट ए गैमोस्पर्मी एंड नॉन रिकरेंट ए गैमोस्पर्मी। एडवेंटेटिव
पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है? न्यूसेलस, डिप्लॉयड न्यूसेलस से या इंटेग्यूमेंट्स के सेल्स से पूरा एक प्लांट बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्लांट्स में ऐसे बहुत से केसेस होते हैं क्योंकि देखो पॉलिनेशन करवानी होती है प्लांट्स में। पॉलिनेशन कैन बी नेचुरल, मतलब नॉन बायोटिक एजेंट्स की, एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से और बायोटिक फैक्टर्स की वजह से। समटाइम्स जो सम प्लांट्स में पॉलिनेशन फेल हो रही है, अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी फ्रूट नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा सीड नहीं बनेगी, सीड नहीं बनेगी तो प्लांट फेल हो जाएगा पैदा होने में। इसलिए भगवान ने ऐसे हमें फिनोमिनन्स, ऐसे हमें मैकेनिज्म्स दिए हैं ऑलरेडी जिससे प्लांट्स की जो लाइफ है वो इंश्योर हो सके। ठीक है, प्लांट्स की स्पीशीज ना खत्म हो सके, क्योंकि अगर प्लांट्स की डाइवर्सिटी खत्म होगी तो हमारे लिए न्यूट्रिशन भी कम पड़ जाएगा, हमारे लिए ऑक्सीजन तो कम पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, दैट्स व्हाई एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, न्यूसेलस के सेल्स, ये सब क्या होता है आपको नेक्स्ट में डायग्राम में समझा रही हूँ मैं सारा। बस ये चीज याद रखनी है, न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट्स के सेल से अगर एम्ब्रियो बन रहा है दैट विल बी अ डिप्लॉयड एम्ब्रियो एंड उसको हम नाम देते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट इज रिकरेंट एगेमोस्पर्म, द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिप्लॉयड एमएमसी। फर्स्ट ऑफ ऑल द एमएमसी की फुल फॉर्म क्या है, एमएमसी की फुल फॉर्म है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है। ठीक है, वो क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल एम्ब्रियो सेल बनाता है सारा और एम्ब्रियो सैक से फर्दर हमें एग्स मिलते हैं जो फर्टिलाइज होके फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स बनाते हैं बेसिकली। मैं ये चीज बता रही हूँ कि न्यूसेलस के सेल्स होते हैं वो मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं जो फर्दर मियोसिस कर देते हैं, मियोसिस करके पूरा एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। बट इन सम केसेस अगर मेगास्पोर मदर सेल ही इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मियोसिस वो खुद ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज द रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। ठीक है, नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी, द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड थ्रू नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी में क्या होता है, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड थ्रू अनफर्टिलाइज्ड एग एंड इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। देखो एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में जो एम्ब्रियो बन रहा है दैट इज डिप्लॉइड, रिकरेंट एगेमोस्पर्मी में जो बन रहा है दैट इज आल्सो डिप्लॉइड। इसको मैं अंडरलाइन करके दिखाती हूँ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। यहाँ भी डिप्लॉइड बन रहा है हमारे पास जो एम्ब्रियो है, यहाँ भी डिप्लॉइड बन रहा है, नॉन रिकरेंट में बन रहा है कैसे, हैप्लॉइड। व्हाई? बिकॉज वो एग से बन, एग कब बनती है, एग मियोसिस के बाद बनती है, तो ऑब्वियसली एग हैप्लॉइड है। एग से अगर पूरा हमारा एम्ब्रियो बन रहा है दैट इज आल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, अब अनफर्टिलाइज्ड एग जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम पार्थिनोजेनेसिस भी बोलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस इज वेरी important term for you to understand, okay? Sometimes the questions aa jate hain, what is parthenogenesis? So you have to answer the question that what parthenogenesis is. The formation of the embryo without fertilization and the embryo or the baby or the offspring, baby plant or the offspring is haploid in nature. This is known as parthenogenesis. For example, banana. ठीक है, सीडलेस फ्रूट्स जो होते हैं ना वो सारे दे आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ विदाउट फर्टिलाइजेशन बने होते हैं एंड पार्थिनोजेनेसिस की हेल्प से बने। ओके, नाउ आगे चलते हैं टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सी व्हाट इज दिस डायग्राम ऑफ, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ये है हमारा एग,
ये जो मैं कर रही हूँ हाईलाइट, दिस इज अवर एग. ओके, ये एम्ब्रियो सैक है, ग्रीन वाला पार्ट है जो, दिस इज द एम्ब्रियो सैक. नाउ एम्ब्रियो सैक में ये जो साइड वाले सेल्स हैं, दीज आर द न्यू सेलर सेल्स, जो मियोसिस करने के बाद, मतलब कि न्यू सेलस है ये सारा, दिस होल पार्ट इज न्यू सेलस. ये न्यू सेलस क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोइंग मेगास्पोर मदर सेल्स को. इसमें से थोड़े से सेल्स मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं जो वो मियोसिस करके हमारा क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो सैक. ठीक है, एम्ब्रियो सैक में हमारा एग अपरेटस होता है, एंड वो एग अपरेटस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना एग सेल. ये जो एग सेल है पार्थेनोजेनेसिस में, ये फर्टिलाइज, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये पूरा एम्ब्रियो बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस. ओके, दीज आर द न्यू सेलस सेल्स. ठीक है, अगर ऐसा बन जाए तो एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं. अगर न्यू सेलस मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल, तो उसको हम बोलते हैं रिकरेंट. अगर एग सेल एम्ब्रियो बना रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस और नॉन रिकरेंट. ओके, नाउ एपोमिक्सिस सबको समझ आ गया. एपोमिक्सिस का इतना ही पार्ट था, हमने तीनों को डिटेल में कर दिया. प्लांट्स में एपोमिक्सिस नॉर्मली नेचुरली हो जाती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी नेचुरली एंड आर्टिफिशियली दोनों तरीके से हो जाती है. बस एपोमिक्सिस में क्या होता है कि जो फीमेल पार्ट्स होते हैं, बेसिकली हमने देखा ना पिछले डायग्राम में, सी हियर दीज आर द फीमेल पार्ट्स, बिकॉज ये क्या है हमारी, ये हमारी ओव्यूल है. ओव्यूल कहाँ पे होती है, ओव्यूल कहाँ पे होती है, ओव्यूल होती है ओवरी के अंदर. ठीक है, ओवरी कहाँ पे होती है, ओवरी होती है कार्पेल या पिस्टल के अंदर. ठीक है, मींस कार्पेल या पिस्टल क्या है हमारे, दे आर द फीमेल पार्ट्स. ठीक है, और मेल पार्ट्स में क्या होता है, मेल पार्ट्स में पॉलन ग्रेन्स होते हैं. ओके, सो फीमेल पार्ट्स अगर कन्वर्ट हो रहे हैं एम्ब्रियो में, तो उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस. विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन पूरा प्लांट फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस. नेक्स्ट थिंग इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्टेम, रूट और लीफ. स्टेम थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ने वाला टॉपिक है, तो उसको हम पढ़ते हैं. स्टेम में हमारा जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है, दैट इज ऑफ रनर्स. रनर्स में क्या होता है कि हमारा ये पूरा प्लांट है. सी We are having this plant, ये आपको दिख रहा है, ये जो प्लांट है, ये प्लांट से एक ब्रांच निकल रही है, ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच जाके नोड्स के ऊपर एक न्यू प्लांट बना रही है, डॉटर प्लांट. ठीक है, वो फर्दर थोड़ा और हॉरिजॉन्टल जाके क्या बना रही है, न्यू डॉटर प्लांट बना रही है. ये चीज है क्या, ये है स्टेम. स्टेम से ब्रांच निकल रही है, वो हॉरिजॉन्टल जा रही है. ठीक है, इधर तो हमें इन्होंने राइट की तरफ शो किया हुआ है, अगर लेफ्ट की तरफ भी होगा तो ये भी हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी. ठीक है, रनर्स में जो हमारी स्टेम होती है, दैट इज स्टाउट, दैट इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है, बनते कैसे रनर, लेट मी टेल यू मोर. थोड़ा दोबारा से बताते हैं, पंजाबी दस दिया तो हमें. देखो अपने को एक प्लांट है लग्या होया. ठीक है, प्लांट दी जिहड़ी ब्रांच निकल रही है, ते वो हॉरिजॉन्टल जा रही है. प्लांट तां आपां नूं पता है जमीन च लग्या होगा, उस तो बाद हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकल के लेफ्ट ते राइट दोनों तरफ जा रही है, जिधर हुण सॉयल तां हैगा ही है, सॉयल दे कॉन्टैक्ट च तां ऑलरेडी पई है. हॉरिजॉन्टल है ब्रांच, ये याद रखना है. हॉरिजॉन्टल ते वर्टिकल च की फर्क है, कोई भी चीज स्ट्रेट है दैट इज वर्टिकल, कोई भी चीज अगर towards the x-axis and then that is horizontal. Okay? Now, nodes
नोड से की हुंदा है, नोड तो ही ब्रांचेस उगदी हैं, कुछ ही उग सकते हैं, नोड तो ब्रांचेस उग सकती हैं, लीव्स उग सकती हैं, ठीक है। हुन ओ ऑब्वियसली जड़ी हॉरिजॉन्टल ब्रांच है ये सॉइल दे कांटेक्ट च ता हैगी ही है, थस सॉइल दे कांटेक्ट च आन तो बाद दोबारा की करी है, क्लस्टर ऑफ रूट्स एंड क्लस्टर ऑफ लीव्स ग्रो करी है ते अपना एक न्यू डॉटर प्लांट आ। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दैट इज साइनोडॉन। साइनोडॉन this is example of runners. Runners ki definition, a long thin stem that usually grow horizontally along the ground and produces roots and shoots at widely spaced nodes. Branch of the branch mein nodes hai, theek hai, nodes hai aur wo branch hai jo that is in contact with the soil, so obviously wo branch hai that is capable of growing everything, theek hai, wahi cheez wo kya kar deti hai, प्रूफ कर देती है। कैसे प्रूफ कर देती है, बाय ग्रोइंग रूट्स एंड शूट्स रिस्पेक्टिवली एट द नोड्स। नेक्स्ट ऑफसेट्स, अब देखो बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि रनर्स हैं, रनर्स आर ऑन ग्राउंड एंड ऑफसेट्स हैं, ऑफसेट्स आर सेम एज रनर्स बट दे आर इन aquatic medium, ठीक है, same thing, runners are in the ground, offsets are in aquatic medium. Runner की जो branch थी, stem थी, that was stout, that was strong, but offsets की क्या है, offsets की है soft, ठीक है, soft. ये क्या है, water hyacinth, अपने geography में पढ़ा होगा water hyacinth, टेरर ऑफ बंगाल, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, आइकॉर्नी। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ आइकॉर्नी, आइकॉर्नी की स्टोरी आपको मैं बताती हूँ। इसके जो लीव्स थे ना, दे आर रियली ब्यूटीफुल, दे आर रियली ब्यूटीफुल लुकिंग। इंडिया में इसको बाहर से इंपोर्ट किया गया, थस इट इज एन एग्जॉटिक प्लांट। व्हाट इज एन एग्जॉटिक प्लांट, एग्जॉटिक प्लांट is the plant that is imported from other countries, okay? So obviously if it is an exotic plant, then the natural predator is absent. Natural predator of Icornia in India is absent. Let me write it in italics only. In India is absent. See, iske story kya hui? Icornia is a plant that is very and really beautiful looking. Beautiful leaves hai uske, and isko basically decorative पर्पस के लिए हम लेके आए थे इंडिया में, बट द नेचुरल प्रेडेटर ऑफ आइकॉर्निया इज एब्सेंट इन इंडिया, क्योंकि जिस कंट्री से हम इसको लेके आए उस कंट्री में इसका नेचुरल प्रेडेटर तो, ठीक है, थस हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और ये प्लांट हमें बिल्कुल नहीं पता था, एट वेरी फास्ट पेस, बहुत ही तेज ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर जाता था। मतलब देखो कि आज हम मैंने इसको लेक में ले आई, ठीक है, एज अ डेकोरेटिव प्लांट, क्योंकि डेकोरेटिव इसको लेक में ही रखना पड़ेगा ना। ये क्या करता था, विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट्स दिस प्लांट इज एबल टू रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट एंड इन वेरी सम टाइम, लाइक बहुत कम टाइम में, इन फ्यू वीक्स और वी कैन से फ्यू डेज, ठीक है, फ्यू डेज और फ्यू वीक्स में ये पूरा लेक इन्वेड कर लेता, पूरा लेक इसने इन्वेड कर लिया। थस इट इज नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्यों, अब देखो कोई चीज है, ठीक है, वो पूरी, मतलब कि पूरी लेक में, पूरी वाटर बॉडी में फैल रही है, तो जो वहां पे फिशेज नेचुरली रह रहे हैं उनको तो नुकसान ही हो रहा है ना। थस ये टेरर ऑफ बंगाल बन गया, बंगाल वाली साइड ये जो आइकॉर्निया है इतना ज्यादा फैल गया, एंड इट वॉज रियली हार्ड फॉर अस टू गेट रेड ऑफ दिस प्लांट, ठीक है, इसकी। एंड ये हुआ क्यों, क्योंकि नेचुरल प्रेडेटर तो एब्सेंट है, इसको खाने वाला कोई है नहीं, खत्म करने वाला कोई है नहीं, ठीक है, फैल रहा इतना ज्यादा क्योंकि ये ऑफसेट से रिप्रोड्यूस कर रहा है।
कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, ऑफसेट्स होते क्या है? ऑफसेट्स आर सेम एज रनर बट इन एक्वेटिक. बाकी रनर के बीच का डिफरेंस है जो, लेट मी शो यू, रनर के बीच का जो डिफरेंस है दैट कैन बी लॉन्ग. ये आप देख रहे हो, दिस इज लॉन्ग. ठीक है, ऑन द अदर हैंड ऑफसेट्स में जो ये डिस्टेंस है दैट इज ओनली वन इंटरनोड लॉन्ग. वन इंटरनोड के बाद यहाँ पे सेकेंड उगी जाएगी ब्रांच. ठीक है, अब देखो एक और चीज है यहाँ पे, वन इंटरनोड लॉन्ग है और ये चीज अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये हो गया, ये टूट गया, ये टूट गया, और ये जो डॉटर प्लांट है ना ये इंडिपेंडेंटली घूम सकता है इन द लेक. ये इंडिपेंडेंट चला जाएगा, ये आगे जाके फिर से ऑफसेट बनाएगा, ये भी ऑफसेट बनाएगा आगे जाके, ये भी ऑफसेट बनाएगा फर्दर, फिर इसका जो डॉटर प्लांट होगा वो भी ऑफसेट बनाएगा. नाउ कैन यू इमेजिन द सिचुएशन कि कैसे करके ये प्लांट इतनी जल्दी एबल है टू रिप्रोड्यूस, है ना, और ये कैसे सारा मतलब पूरा लेक इन्वेड कर लेता है थोड़े से टाइम में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑफसेट. तो ऑफसेट का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है आइकॉर्निया. अच्छा एग्जाम्पल होने के कारण इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल है इसका नाम, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट भी है एमसीक्यूज में. आपको इतना इजी क्वेश्चन आ जाता होता है बहुत बार, टेरर ऑफ बंगाल आइकॉर्निया को क्यों बोलते हैं. ठीक है, आइकॉर्निया वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है तो इसका क्या नुकसान है. ठीक है, वेजिटेटिवली प्रोपोगेशन आइकॉर्निया इतनी फास्ट क्यों हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड, मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए हैं हमारे. Now next thing, tubers and rhizomes. Tubers सबने देखा है potato, ठीक है. Basically हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं plants में asexual reproduction. Plants में asexual reproduction थी that was of two types, apomixis से हो सकती है, vegetative propagation से हो सकती है. ठीक है, potato पे आपने बहुत बार देखा होगा ये ट्यूबर्स ग्रो कर जाते. ठीक है, अब अगर कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट अगर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली कर सकता है तो वो कहां पे कर सकता है, ओनली ऑन द नोड्स. इन द केस ऑफ रनर्स हमने देखा था नोड्स के ऊपर ग्रो कर रहे थे, इन द केस ऑफ ऑफसेट्स भी हमने देखा था टफ्ट ऑफ लीव्स वर ग्रोइंग. ऊपर क्या था, लीव्स ग्रो कर रहे थे, नीचे क्या था, रूट ग्रो कर रहे थे. ठीक है, नोड्स पे ही थे ना. अब ये जो सारे पार्ट्स है दैट इज ट्यूबर एंड द राइजोम, जिंजर देखा है सभी ने, जिंजर के ऊपर लाइंस होती है. ठीक है, आपने मतलब कि गोल गोल सर्कल की तरह लाइंस देखी होंगी जिंजर के ऊपर, वो क्या होते हैं, नोड्स पार्ट, नोड्स वाले पार्ट्स होते हैं. ट्यूबर्स के ऊपर भी जो आप यहाँ पे देखते हो आउटग्रोथ, ठीक है, दिस वन आउटग्रोथ बेसिकली, दिस इज नथिंग बट द नोड. अब देखो ये क्या है, स्टेम. सबको पता होगा कि पोटैटो जो है दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम, इट इज नाइदर अ फ्रूट नॉर अ वेजिटेबल. वेजिटेबल नाम की बॉटनी में तो कोई चीज होती नहीं है. फ्रूट्स होते हैं लाइक ब्रिंजल हो गया, टोमेटो, पी एंड गोड्स, other things. ठीक है, जो seeds वाले हैं they are the true fruits. ठीक है, other are the parts of the plants जो क्या कर देते हैं, basically storage कर देते हैं. हमें पता है plants क्या करते हैं, photosynthesis करते हैं. photosynthesis की help से plants को energy मिलती है, plants carbohydrates, glucose जो भी form होता है उसको store कर देते हैं. अब tuber में होता क्या है, tubers these are the nodes, ये nodes है. इसको अगर हम थोड़े दिन के लिए रख देंगे तो वी विल सी दैट ये नोड्स वाले पार्ट्स के ऊपर कुछ येलोइश सा ग्रो करना शुरू कर देता है, छोटा सा, दैट इज नथिंग बट बेसिकली प्लांट. नोड्स के ऊपर कैपेबिलिटी होती है, सबके कैपेबिलिटी होती है टू ग्रो, ब्रांचेस हो, लीव्स हो, बट इन द केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे करते हैं प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपोगेट, क्योंकि नोड्स से वो बेसिकली सारा प्लांट ही ग्रो कर देते. ठीक है,
तो इस तरीके से ये जो नोड्स हैं ये वेजिटेटिव ये प्रोपोगेट करने में हेल्प करते हैं। एंड ये पोटैटो, अगर जो इस पोटैटो की क्वालिटी है, अगर मैं इस ट्यूबर को यूज करूंगी टू ऑब्टेन अ न्यू पोटैटो और न्यू प्लांट, जो न्यू प्लांट मुझे मिलेगा ना, दैट विल बी ऑफ सेम क्वालिटी एज ऑफ दिस पोटैटो। व्हाई? बिकॉज क्लोनिंग हो रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट, वन पेरेंट मतलब नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब नो मर्जिंग ऑफ कैरेक्टर्स। नो मर्जिंग ऑफ कैरेक्टर मींस जो पेरेंट पेरेंट है उसी से रिजेंबल करेगा हमारा ऑफस्प्रिंग। थस जो प्लांट हमें मिलेगा तो वो बिल्कुल सेम क्वालिटी का मिलेगा एज ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो क्या हम घटिया क्वालिटी को करेंगे, घटिया क्वालिटी वाले किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को क्या हम प्रोपगेट करेंगे? नो, द आंसर इज वेरी क्लियर दैट नो, वी विल नॉट प्रोपगेट घटिया क्वालिटी वाले कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट या स्टेम या जो तो जब पता है। तो हम क्या लेंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पोटैटो हम लेके आ रहे हैं, कोई भी चीज लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूबर्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो बेबी प्लांट होने वाला है, जो न्यू प्लांट होने वाला है, जो ऑफस्प्रिंग होने वाला है, दैट इज टू बी ऑफ सेम क्वालिटी एज ऑफ हिज पेरेंट। नेक्स्ट थिंग इज राइजोम। राइजोम और ट्यूबर में बेसिकली क्या फर्क होता है ये हम पढ़ लेते हैं। राइजोम मैंने आपको बता दिया, बेसिकली जो जिंजर होते हैं उसके ऊपर जो हमारे लाइंस होती हैं, दे आर द नोड्स, नोड पार्ट्स, ठीक है, इन पे पूरी कैपेबिलिटी होती है कि न्यू रूट्स, न्यू प्लांट बेसिकली ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या, ट्यूबर्स आर मॉडिफाइड स्टेम्स विद स्टार्ची इंटीरियर्स बट नो बेसल प्लेट और ट्यूनिक, बोथ रूट्स एंड शूट्स स्प्राइट आउट फ्रॉम द सेम ग्रोथ बड्स कॉल्ड आइस। या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर द ट्यूबर्स एंड दीज आर कॉल्ड आइस एंड द होल प्लांट बेसिकली बोथ द रूट एंड द शूट हैज द कैपेबिलिटी टू ग्रो फ्रॉम अ सिंगल आई और सिंगल ट्यूबर ऑफ द पोटैटो। Done? Now, rhizomes. Tubers were modified stems. The rhizomes are thickened underground stems. Basically, dono hi underground hai, but because we know ki potato underground part hai, that's all. Okay. They grow in horizontal direction. Sorry, sprouting new sections as they go. Okay, ये जो rhizome है, rhizome से roots निकल रहे हैं, roots निकल रहे हैं, basically they are sprouting, they have the capability to grow into a whole new plant. Okay, these are horizontal and thickened stems. ठीक है, nodes के nodes में से क्या निकल रहे हैं, roots निकल रहे हैं। कभी भी एक ginger को उठा के देखना, बिल्कुल ऐसे ही आपको दिखेगा, दिस इज अ जिंजर, आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही होंगी। ओके, थस इन दिस वे वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स इज एबल टू टेक प्लेस। नाउ हम थोड़ा सा रिवाइज करें। Now, अब आप लोग रिविजन करोगे एंड धीरे धीरे आंसर करोगे टू ऑल द क्वेश्चंस। फर्स्टली वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फर्स्ट जो चीज की थी दैट वाज ऑफ रनर्स, नेक्स्ट वाज ऑफसेट, देन ट्यूबर एंड राइजोम। राइट द एग्जांपल ऑफ ऑल, write the exam of the plants that are able to
propagate through okay. I'll give you 20 seconds time to do this, to complete this. Okay. The example of runner is Cynodon. Why is it not able to write in italics? I have to write in italics. Okay. Cynodon. Example of offset is Eichhornia. Then example of tuber is potato. And example of rhizome is ginger. I don't know why is it not able to be written in italics. Okay, fine.